जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो जैसा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो आपके पीजी के काउंसलिंग है वो आपकी प्रोसेस स्टार्ट है और उसमें एक एक करके सारे कोर्सेज के कट ऑफ आ रहे हैं। तो आज हम जिस कोर्स के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका एमएससी जूलॉजी। एमएससी जूलॉजी की कट ऑफ कितनी गई है इसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एमएससी मटेरियल साइंस जो है इस कोर्स की कितनी कट ऑफ गई है इसके बारे में बात करेंगे। एमएससी जूलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पर 188 या इसके ऊपर नंबर है तब आप इसके काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर ओबीसी सेक्शन की बात करें तो ओबीसी में 174.8 मार्क्स से है या फिर इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो एससी कैटेगरी के लिए 158 मार्क्स या इसके ऊपर हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 180 नंबर या इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 98 मार्क्स या इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। ये मैं किसका बता रही हूँ, एमएससी जूलॉजी का बता रही हूँ। अनरिजर्व्ड 188, ईडब्ल्यूएस 180, ओबीसी 174.8, एसटी 158 और एससी 158 और एसटी जो है वो 98 हो जाएगा। ये मार्क्स इतने हैं या फिर इसके ऊपर हैं तब आप वहाँ की काउंसलिंग करा सकते हैं। कब से करा सकते हैं तो डेट आज की ही है, मतलब 28 तारीख से लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं और 2 अगस्त तक आपका लास्ट चलेगा। 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे से पहले आपका जो है जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है, जो वेरीफिकेशन है वो सब हो जाना चाहिए और इसके साथ ही आपका 5 बजे से पहले फ़ीस पेमेंट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक मैं कमेंट में दे दूँगी, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए अब अपने दूसरे कोर्स की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं जो है आपका एमएससी। एमएससी का आपका कौन सा है, मटेरियल साइंस। क्लियर, मटेरियल साइंस। अगर हम मटेरियल साइंस की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 100 नंबर या फिर इसके ऊपर मार्क्स चाहिए, 100 या फिर इससे ऊपर। ओबीसी के लिए 75 या फिर इसके ऊपर, ठीक है, 75 या फिर 75 प्लस मार्क्स यहाँ चाहिए। डेट इसकी आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट है और ये भी आपका एमएससी जूलॉजी की तरह लास्ट इसका जो काउंसलिंग की डेट है वो 2 तारीख है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक और बात है कि जैसे ओबीसी की सिर्फ यहाँ कट ऑफ आई है, ईडब्ल्यूएस या बाकी की नहीं आई है, तो अगर यहाँ पर सीट बचती है तब उसके बाद बाकियों की भी कट ऑफ आएगी। और जिसकी नहीं आई है, अगर अनरिजर्व्ड से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तब आप काउंसलिंग वहाँ करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी है वो प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये कैटेगरी जिसका अभी तक नहीं आया है तो नेक्स्ट जब सीट वहाँ पर बचेगी तो बाकी कैटेगरीज़ को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। तो आप अपने टाइम के आने का इंतज़ार करिए कि अगर आप कैटेगरी से भरे हैं तो आपका आएगा, तभी आपका वहाँ पर होगा। क्लियर, तो ये आपका 2 जो मैंने बताया, एमएससी जूलॉजी और एमएससी मटेरियल साइंस, ये आपके जो है ऑफिशियल कट ऑफ है। जिसके भी मार्क्स इतने में हैं तो वो आज से अपनी काउंसलिंग को शुरू करा सकते हैं। काउंसलिंग की वीडियो की लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप लेकर देख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक जो अपडेट है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।